हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार फ्रॉम ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। और इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर आपको स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, वर्क एंड पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक गेट्स वगैरह के मैं कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले मैंने वो सब कोर्स कंप्लीट करा दिया हूँ, तो अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ आप उन सब चैनल को पहले वो सब वीडियो देख लें, उसके बाद ही आपको एक समझ में आएगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ऐसे भी रेफरेंस देता हूँ कि पहले इलेक्ट्रिकल वाले आप पार्ट पढ़ लें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिलेबस पढ़ें, तो क्योंकि इससे समझने में सहूलियत रहेगी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट स्टार्ट कर चुका हूँ। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यानी बेसिक गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, तीनों गेट डिस्कस किए थे। उसका ट्रुथ टेबल पढ़ रहे थे और सर्किट डायग्राम भी पढ़ रहे थे जी। ये क्या होता है? ट्रुथ टेबल होता है। ऐसा क्या होता है जी? ट्रुथ टेबल ऐसा होता है, अब देख पा रहे हैं। और ये क्या है जी? सर्किट डायग्राम होता है। तो हमने ये सब दोनों डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस किया था, ऐसे कुछ कुछ तीनों का होता है। उसके बाद हमने कौन सा जी? एक्स कॉर गेट का किया था। कौन सा किया था जी? तो एक्स एक्सॉर गेट का। एक्सॉर गेट में हमने क्या किया था? डिस्कस किया था जी सब सिम्बल, सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। आप देखिएगा, आपको पढ़ना है जी, तो सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप ध्यान देते रहिएगा सभी का। तो हमने एक्सॉर गेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक्सॉर के बाद हमने किसका डिस्कस किया था जी? एक्सनॉर का डिस्कस कर लिया था। हमने एक्सनोर का डिस्कस कर लिया था। इसमें एक्सनोर में भी हमने क्या कर रखा था? सिंबल वगैरह का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बुलियन ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम, इसमें भी हमने डिस्कस कर रखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी? मैंने बोला था कि बुलियन रूल्स पढ़ाऊंगा जी, बुलियन अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है जी? बुलियन अलजेब्रा है, जो क्या होता है जी? लॉजिक को, आपको लॉजिक गेट को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुलियन अलजेब्रा में 1+1 क्या होता है, 1 × 0 क्या होता है, 0 × 1 क्या होता है, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि बुलियन अलजेब्रा जो है आपको दूसरे अलजेब्रा से एकदम टोटली भिन्न है। नॉर्मल अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं जी, उससे बिल्कुल अलग है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है बुलियन रूल में क्या बोल रहा है, अगर ए है प्लस जीरो उसमें ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हमेशा ए होगा। अगर ए है, मान लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते, ए क्या है जी? 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। तो एक बार केस क्या लिए? एक 1 ले लिए, तो क्या हो गया? 1+0 क्या हो जाएगा? 1। एक बार 0 ले लेते हैं, 0+0 यहाँ पुट कीजिए तो 0+0 क्या हो जाएगा जी? 0। तो आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है जी? ए ही मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है जी? ए ही मिल रहा है। बात करते हैं a+1। तो a+1 क्या होता है जी? 1 होता है। अब देखिए, ये आपको नॉर्मल अलजेब्रा के कैलकुलेशन से क्या हो गया, ये अलग हो गया ना। a+1 क्या होता है? 1 होता है। चाहे ए 0 रहे चाहे 1 रहे, आउटपुट क्या मिलेगा जी? 1 मिलेगा। देखिए, अगर मान लीजिए ए क्या है जी? 1 है, तो 1+1 क्या हो जाएगा? 1। अगर ए 0 है तो 0+1 क्या हो जाएगा? 1। तो दोनों केस में ही क्या मिल रहा है हमको? 1 मिल रहा है आउटपुट, ठीक है जी। अगर a.0 का मतलब क्या है जी? a मल्टीप्लाई क्या है? 0। तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। उसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। जैसे a 0 है तो उसमें 0 × 0 क्या हो जाएगा? 0। a क्या है जी? 1 है, तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो दोनों केस में हमको क्या मिल रहा है? 0 आउटपुट में मिल रहा है। अगर मान लीजिए a है, अगला केस लेते हैं, a मल्टीप्लाई क्या है? 1 है, तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलेगा? ए मल्टीप्लाई 1 ए मिलेगा। अगर ए मान लेते हैं 0 है और ए मान लेते हैं 1 है, तो 1, अगर ए बराबर 1 है तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1। अगर ए मान लेते हैं 0 है तो 0 × 1 क्या हो जाएगा? 0। तो आउटपुट क्या मिला? 0 और ए मिला। देखिए यहाँ पे ए मल्टीप्लाई 1 क्या था? ए मिला। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला जी? ए मिला। देखिए यहाँ पे ए 1 था तो ए मिला, अगर 0 था तो 0 मिला। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये जो बुलियन अलजेब्रा है, हमको ये वेरीफाई करना है जी। तो हमको याद रखना है बुलियंस के क्या है बेसिक्स रूल्स हैं। ए प्लस 0 क्या होता है? ए प्लस 1 क्या होता है? 1। ए मल्टीप्लाई 0 क्या होता है? 0। ए मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है? ए स्क्वायर नहीं होता, ए होता है। ए देखिए नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है? ए होता है। ए प्लस ए क्या होता है जी? ए होता है। देखिए 1+1 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1+1 क्या आ जाएगा? 1 ही रहेगा, ठीक है जी। तो इस केस में हमको समझते हैं ए प्लस ए क्या होता है? ए होता है। ए प्लस, आगे बढ़ते हैं, ए प्लस ए बार क्या होता है? 1। ए प्लस ए बार क्या होता है जी? 1 होता है। कोई नंबर है और उसका कॉम्प्लीमेंट जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और वही वो नंबर और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट पे भी अगर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ
कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल दिया हुआ है, आप इधर से समझ सकते हैं। आप ये बुक अभी तक मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने ये बुक खरीद रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है ए प्लस बी। देखिए ए प्लस ए प्लस बी बराबर क्या होता है जी, ये होता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ए कॉमन ले लेते हैं जी। ए कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जैसे ही ए इसमें कॉमन लेंगे, ए प्लस ए बी में ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस बी, ठीक है जी। अब देखिए ए की वैल्यू कुछ भी रहे, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, वन प्लस बी का क्या वैल्यू क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो ए मल्टीप्लाई वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आउटपुट क्या मिला हमको, ए मिला। यहाँ से कह सकते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, अगले वाले 11 नंबर में क्या है जी, ए प्लस ए बार। देखिए पीछे वाले जो हमने फॉर्मूला याद किया उसका भी अप्लाई करेंगे जी, इसलिए हमको ये डायरेक्ट याद ही रखना है। ए प्लस ए बार मल्टीप्लाई बी है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार का भी, चलिए जी ए ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए को ए मल्टीप्लाई वन है तो यहाँ पे वन प्लस क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, प्लस ए बार बी। यहाँ पे ए वन मल्टीप्लाई है उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने क्या लिया, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस b कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस a बार। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ये सभी है क्या है जी, हमको एग्जैक्ट उसी को ये पहले स्टार्टिंग वाले जो है आपको थ्योरम से याद करने हैं और बाद वाले में उसी को अप्लाई करना है। हमको बड़े बड़े एग्जाम्पल इसे दे सकता है, उसको हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना हो रहेगा इसी छोटे छोटे एग्जाम्पल को। मुझे आशा है कि ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, जो इतना लिखा है इससे कम ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो बेसिक मैंने बताए 10 तक आप उसी को याद कर लीजिए, बाकी आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है जी। मैं 11 बार आपको बता दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि मुझे तो आसान है, मुझे तो आसान लग रहा है क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ही और मुझे यही दिन रात पढ़ाना ही है, तो मुझे तो पता है, लेकिन आपको तो दिक्कत होगी ना। तो चलिए आगे बताता हूँ। अगला है 12, हमारा 11 नंबर हो गया। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं हमने ये क्या लिया, ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, तो क्या मिला, ए प्लस, यहाँ से हम बी को मान ले लिया, क्या मिला, ए प्लस ए बार। तो ए प्लस बार हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा है कि हमेशा क्या होता है, वन होता है, ये क्या होता है, हमेशा वन होता है, इसको मल्टीप्लाई वन प्लस ए, तो क्या मिला, ए प्लस बी मिल गया। आउटपुट क्या मिल गया जी, हमको ए प्लस बी मिल गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये मेरा क्या हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह आप 12th आते हैं जी, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या है जी, लेफ्ट साइड में दिया है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी सी। देखिए मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूँ, वो आपको डायरेक्ट ही दिया रहेगा, आप डायरेक्ट इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लिए, 12-10 पर मूल्य है, मैं तो स्टार्टिंग के ही कहूंगा कि आप 10 याद कर लें, बाकी सब छोड़ दें, क्योंकि आपको ही पता है कि आईटीआई वालों को तो इतना ज्यादा कुछ समझ में आता भी नहीं, बीटेक वाले तो कुछ समझ भी रख पा रहे होंगे इस सॉल्व को, समीकरण को, तो और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसानी चैप्टर है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को आसान लग रहा होगा, लेकिन बाकी सबको क्या होगा, दिक्कत लग रहा होगा, इलेक्ट्रिकल वालों को भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये पढ़ना सबको है जी। आपको भी पता है आईटी लिटरेचर में ये सब आता है, ठीक है। तो देखिए मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए पहले इसको किए, फिर से प्लस ए मल्टीप्लाई सी, फिर से बी मल्टीप्लाई ए, फिर से बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, यहाँ तक आ गया। देखिए ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है जी, बूलियन अलजेब्रा में वन होता है। यहाँ पे देखिए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, यहाँ तक है, हमको क्या लाना है जी, बी सी लाना है, तो बी सी तो छोड़ देते हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं जी, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमारे लिए ए लाना है, मतलब इसको हमको क्या करना है जी, वन लाना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें उसी को क्या किया गया है जी, ए सी बी ए कर दिया गया है, और फिर से यहाँ से क्या किया गया है, ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, वन नहीं होता, सॉरी ए होता है, क्या हुआ है, ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए होता है, ना कि वन होता है, मैं गलत नहीं दिया था, क्या होता है जी, ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए होता है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस यहाँ से सी, यहाँ से क्या मिला, बी ए प्लस बी सी। तो देखिए वन प्लस सी हमेशा क्या होता है, वन होता है, तो ए प्लस बी ए प्लस बी सी, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेंगे तो वन प्लस बी हमेशा क्या होता है, वन होता है,
वन प्लस बी क्या होता है, हमेशा वन होता है, तो ए मल्टीप्लाई वन प्लस बी सी, तो क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट, आउटपुट हमारा आ गया ए प्लस बी सी। देखिए ए प्लस बी सी हमारा आ गया यहाँ पे, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि क्या है जी हमारा आउटपुट सिंप्लीफिकेशन आता है। तो बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफाई करने का अलग मेथड है जिसको नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं कर सकते, और ये क्या होता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है और उसका ही हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप 12th नंबर है, 10th नंबर तक आप याद कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं जी जो बिट के टर्म में, जैसे आपको होता है यूनिट कन्वर्जन होता है किलो मेगा गीगा, वैसे ही आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, देखिए एक सबसे स्मॉलेस्ट इसमें होता है बिट होता है, जैसे जीरो और वन हम लोग क्या ले रहे थे, बिट ले रहे थे, ये भी क्या है वन बिट का, ये भी वन बिट का, वैसे ही अगर चार बिट मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, चार बिट ऐसे ले लिए वन जीरो, तो ये क्या मिला चार वन वन जीरो वन ऐसे ले लिए चार बिट का लिए जी, तो चार बिट इसको क्या बोलेंगे निबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे निबल बोलेंगे जी। यहाँ पे लिखा हुआ चार बिट बराबर एक निबल, चार बिट बराबर क्या है जी एक निबल है, इसको याद कीजिए। एट बिट अगर ऐसे ही हो जाएगा, जैसे एट बिट मान लीजिए ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, जीरो वन ही रहेगा क्योंकि डिजिटल सर्किट जब पढ़ रहे हैं आप, तो आठ रहेगा चार चलिए आठ, तो ये क्या हो जाएगा वन बाइट हो जाएगा। जैसे ही आठ बिट को लेंगे तो वन बाइट हो जाएगा, या दो निबल भी बोल सकते हैं इसको, या चार बिट को एक निबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेसिक यूनिट क्या होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मेजर करने के लिए क्या होता है, ये डेटा को आप सुने होंगे किसी भी मेमोरी का साइज क्या सुनते हैं जी, के बी एम बी जी बी टी बी, टी बी वगैरह जो हार्ड डिस्क आता है, बहुत बड़ा बड़ा हार्ड डिस्क आता है वो क्या होता है टी बी होता है जी। आप हार्ड डिस्क देख सकते हैं जो आपको हार्ड डिस्क वगैरह आता है इस साइज में आता है, ठीक है जी, उसमें वन टी बी टू जी बी आता है मेमोरी, आप छोटा वगैरह देखेंगे तो देखिए किलो एम बी जी बी में आपको मेमोरी वगैरह आता है, देखिए तो सबसे छोटा देखिए मैं कहूँगा 1024, आप 1024 को क्या याद कीजिए जी 1000, 1024 को क्या याद कर सकते हैं 1024 को 1000 याद कीजिए, 1000 का मतलब क्या होता है जी 10 के पर दिन में क्या बोलते हैं किलो बोलते हैं, किलो बोलते हैं जी। तो देखो ऐसे ही याद करो, आप लोग ऐसे ही याद करो, उसको तो भी छोड़ दो, आप मान लो कि 1024 को हम क्या लिखते हैं जी, 1024 को क्या लिखेंगे जी 1000 लिखेंगे, ठीक है हमेशा। तो देखो ऐसे पढ़ते हैं जी, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा गले में खराश की वजह से पानी पी रहा था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मीटर, ठीक है ना। उसके बाद दस, ये किलो कितना होता है 10^3 होता है जी। मेगा कितने का होता है, मेगा लिखा जाता है 10^6, गीगा 10^9, ठीक है जी, ऐसे ऐसे हम लोग लिखा जाता है, टी टेरा 10^12। देखिए अब इसी में अगर मान लीजिए बिट लेते हैं, बाइट लेते हैं, सॉरी बिट तो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा बिट, तो बाइट जो 8 बिट होता है, जो 8 बिट होता है उसको एक बाइट लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी एक बाइट लिखते हैं, 8 बिट को क्या लिखते हैं वन बाइट। अब देखिए ऐसे ही किलो बाइट लिखना है, जैसे किलो को तो के लिखेंगे, बाइट के लिए क्या लिखेंगे जी वन बाइट के लिए स्मॉल कैपिटल बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, देखिए बाइट के लिए क्या लिखते हैं कैपिटल बी लिखते हैं, बिट के लिए क्या लिखते हैं जी स्मॉल बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आपको अगर कोई कंपनी अगर ऐसे बोलती है कि 3 जीबी का स्पीड देंगे, 200 एमबी का स्पीड देंगे, तो इसमें और 200 एमबी अगर ऐसे लिख रहा है तो फर्क है, तो आप देखिएगा कि आपको कंपनी ये नहीं ना दे रहा है, ये दे रहा है तो सही है क्योंकि ये बाइट है, ये क्या है जी बिट है, ठीक है ना, यहाँ समझ सकते हैं। वैसे ही देखिए अगर केबी लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, 10 किलो का मतलब क्या होता है 10^3, बिट बाइट का मतलब बड़ा बी है तो क्या मतलब बाइट है, ठीक है ना, तो ये 1000 बाइट पर क्या होता है 1 केबी होता है, ठीक है जी। वैसे देखिए एमबी का मतलब क्या हुआ जी, 1 एमबी का मतलब क्या हुआ 1 एमबी का मतलब हो गया, 1 एमबी का मतलब क्या है 10^6 बाइट। अब इसको मान लीजिए 10^6 बाइट लिखे हैं, हम इसको केबी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 10^3 × 10^3 बाइट लिख सकते हैं, तो ऐसे तो बोल सकते हैं 10^3 क्या, इसको बोल सकते हैं क्या केबी, तो 1000 केबी बोल सकते हैं जी, 1000 केबी बोल सकते हैं, 1000 केबी बराबर क्या हो जाएगा
1 MB हो जाएगा। वैसे 1000 MB बराबर क्या हो जाएगा, 1000 MB बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 GB, गीगाबाइट। 1000 GB बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 TB, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ सकते हैं 1000। अब बात आते हैं कि हम लोग यहाँ पे 1000 नहीं लेते हैं, हमने 1000 पे कैलकुलेशन किया, कोई बात नहीं। जहां मैंने 1000 लिखा है आप वहां पर क्या करेंगे जी, 10 से 24 रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां मैंने 1000 लिखा वहां क्या करेंगे, 10 के पावर 24 रिप्लेस कर देंगे। अब ऐसा होता है कि यहाँ पे जब हम लोग 2 डिजिट लेते हैं, 0 और 1 लेते हैं, तो कहा जाता है कि 2 नंबर है तो 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 क्या होता है जी, 10 से 24 होता है। ये इसलिए 10 से 24 फैक्टर चलता है। लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन में बात की जाए तो क्या होता है जी, 1000 का क्या चलता है, कैलकुलेशन चलता है। इसीलिए थोड़ा फर्क आ रहा है, लेकिन वही मैं बोला हूँ कि आप याद कीजिए 1000 रुपये, बस 1000 की जगह क्या करिएगा, 10 से 24 आप याद कर लीजिएगा। हमको 10 से 24 हर जगह 1000 की जगह रखना है, बस हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उसी को समझिए, देखिए 10 से 24 बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोबाइट। हमने क्या बोलते हैं, 1000 बाइट बराबर क्या होगा, 1 किलोबाइट। 1000 किलोबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मेगाबाइट। 1000 मेगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट। 1000 गीगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 टेराबाइट। अब देखिए किलो को हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं, मेगा को स्मॉल एम से लिखते हैं, गीगा को स्मॉल जी से लिखते हैं, सॉरी किलो को कैपिटल के से लिखते हैं, मेगा को कैपिटल एम से लिखते हैं, गीगा को कैपिटल जी से लिखते हैं, टेरा को कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है ना जी। और बी क्या है जी, मेरा बाइट, ठीक है। अगर स्मॉल बी से लिखेंगे तो मेरा बिट हो जाएगा। बस यही मेरा एक याद करना है, इसको याद कीजिएगा। इसको मैं आपको 7 स्टार देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जी आपसे, 7 स्टार है, आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं सर्किट का, तो नेम ऑफ कम, अब तो चलिए हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात की जाए तो कितने तरह के सर्किट होते हैं जी। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक क्या होता है जी कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक होता है सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है ना। तो हम अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट नहीं पढ़ेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको हम बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे, अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखिए जी, तो नेम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट में बोला जाता है कि बेसिक गेट, इनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, पैरेलल एडर। आप याद करिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाफ एडर पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल निम्न में से कौन है, और आपका एक कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे फुल एडर दे दीजिए, तो आपको पहचानना रहेगा। तो आप याद रखिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल क्या है जी, बेसिक गेट, इनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, पैरेलल एडर, ठीक है जी। इतना याद रखिए क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का है। बात करते हैं हाफ एडर, पहला हाफ एडर का सिंबल लिखिए जी। हाफ एडर में क्या होता है, 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है जी। 1 आउटपुट क्या मिलता है हमको, सॉरी 2 आउटपुट मिलता है, 1 तो इसका सम मिलेगा और 1 क्या मिलेगा जी, कैरी मिलेगा। कैरी मीन्स क्या होता है, हासिल, ठीक है जी। सम मिलेगा और उसका क्या मिलेगा, योग मिलेगा और क्या मिलेगा जी, हासिल मिलेगा, इसका कैरी मिलेगा। तो इनपुट कितना रहेगा जी, 2 रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हाफ एडर बोलेंगे। अगर इनपुट 3 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, फुल एडर बोलेंगे, ठीक है ना जी। समझने की कोशिश कीजिएगा, इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये बुक है तो प्लीज, नहीं है तो अगर बुक तो आप इस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म वाली बुक है। ये आपको जो बुक है, आपको सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें आपको ये डिस्कस किया गया है। सेकंड पार्ट जो आपको इलेक्ट्रिकल का जो ट्रेड बुक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक बुक निकाला गया है, जो इंजीनियर एस के झा द्वारा लिखा गया है, वही बुक है। क्योंकि हाफ एडर में क्या है जी, 2 इनपुट है, 1 इनपुट ही रहा, 1 इनपुट ही रहा, ठीक है जी। 2 ही इनपुट है, इसमें क्या किया गया है, 1 AND गेट से ले लिया गया, 1 क्या किया जी, XOR गेट से ले लिया गया। XOR गेट क्या बताएगा, समेशन बताएगा, क्या बताएगा जी, समेशन बताएगा। और एंड गेट क्या बताएगा, कैरी बताएगा, कैरी मैंने हासिल बताएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम देखना चाहें तो ट्रुथ टेबल हर जगह है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जी, सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना, इसको समझिएगा। अब देखिए हमको ये दे दिया है, पूछेगा कि किसका सर्किट डायग्राम है, तो हमको बताना पड़ेगा किसका है जी, हाफ एडर का, हमको देख के बताना पड़ेगा, तो हमको ये याद रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि इसमें अगर इनपुट मेरा E है, ये मेरा B है, आउटपुट क्या मिला जी, आउटपुट मेरा क्या मिला, ये सम ई मिला, ये कैरी सी नॉट मिला, ठीक है। तो इनपुट E और B है, 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 इनपुट है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, इनपुट कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है,
इनपुट कॉम्बिनेशन कितना बना, चार बना। लेकिन जीरो प्लस जीरो का सम क्या होगा जी, जीरो प्लस जीरो का सम क्या होगा, जीरो। तो कैरी भी क्या हो जाएगा, जीरो ही मिलेगा। जीरो प्लस वन का सम क्या होगा, वन। कैरी कितना मिलेगा, जीरो। वन प्लस जीरो क्या मिलेगा, वन। कैरी कितना मिलेगा, जीरो। वन प्लस वन क्या होता है जी, टू होता है। वन प्लस वन क्या होता है जी, टू होता है। वन प्लस वन क्या होता है जी, टू होता है। तो टू कैसे लिखते हैं बाइनरी में, बाइनरी में टू को ऐसे लिखते हैं, बाइनरी में टू को ऐसे लिखते हैं। देखिए बाइनरी में अगर इसका मान हमको बाइनरी में मान लीजिए बाइनरी है, इसको हमको डिसिमल में बताना है। जो हम लोग लिखते हैं जीरो से नौ तक जो डिजिट यूज करते हैं वो क्या है जी, डिसिमल है। डिसिमल है क्या है जी, डिसिमल है। तो बाइनरी से अगर डिसिमल में आना है तो कैसे आएंगे जी, मैं इसको बताऊंगा अभी कन्वर्जन। अभी यहाँ से देख लीजिए, तो दो जीरो यहाँ पे लिखा है, तो जीरो गुना दो का पावर जीरो प्लस एक लिखा है, तो एक गुना दो का पावर एक। देखिए दो का पावर जीरो, दो का पावर एक, दो का पावर दो, दो का पावर तीन, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, दो प्लस जीरो क्या मिला, दो। तो बाइनरी में क्या लिखते हैं, वन जीरो क्या है जी, क्या बाइनरी में वन जीरो है, इसका मतलब होता है डिसिमल में दो के बराबर है। तो दो लिख रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ क्या मिल रहा है जी, जीरो। सम कितना मिल रहा है, जीरो। और कैरी कितना मिल रहा है, वन। तो वही लिखा हुआ है, सम क्या है जी, जीरो। कैरी क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और थोड़ा सा बैक जाकर फिर से देखिए इसको। बात करते हैं हाफ एडर की कुछ थ्योरी पर्सन के लिए। देखिए ये सब थोड़े सा मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि ये थोड़ा आपके लिए अननोन होगा, ठीक है ना। और लाइन बाय लाइन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपके लिए क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। क्योंकि ये मुझे बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास में तो आपको बहुत जल्दी हम लोग फास्ट बताते हैं कि कुछ ना कुछ लड़कों को बेसिक आइडिया रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर वगैरह पढ़ करते हैं। यहाँ पे अभी तो आपको प्लस टू वाले भी पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ना है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। हाफ हेडर दो इनपुट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वन वन इनपुट संख्या जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला लॉजिक परिपथ है। बोला हाफ हेडर क्या है जी, दो बिट इनपुट संख्या को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाफ हेडर एक एक्सोर गेट होता है, एक एंड गेट होता है। कौन कौन सा गेट था जी, एक एक्सोर था सम के लिए और एंड गेट था कैरी के लिए। इसमें एडिशन के लिए क्या था जी, एक्सोर आउटपुट गेट एक्सोर था, और कैरी के लिए क्या था, एंड गेट था जी, ठीक है ना, एंड गेट था। हाफ हेडर में जब सिर्फ बोथ इनपुट मतलब दोनों अगर इनपुट जो जा रहा है वो अगर वन रहेगा तो कैरी क्या आता है जी, वन आता है। इसमें बोल रहा है कि जब दोनों वन रहेगा तभी कैरी क्या होगा, वन रहेगा। तो इसलिए एंड गेट चाहिए ना जी, एंड गेट मल्टीप्लाई होता है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, वन मिलेगा, तो एंड गेट से इसलिए रखा गया है। अब कैरी में सम में क्या है जी, बोला कि दोनों इनपुट समान हो तो समेशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दोनों इनपुट समान है, देखिए जीरो जीरो है और वन वन है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है जी, जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। बोला है जब दोनों इनपुट समान हो तो समेशन आउटपुट में जीरो मिलेगा, और दोनों इनपुट असमान हो तो समेशन आउटपुट वन मिलेगा। देखो दोनों क्या है, समान है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो ये क्या है, एक्सोर गेट है, ठीक है। यहाँ से समझते हैं हाफ एडर मेरा ही है, इसमें क्या है जी, कैरी है और समेशन है, दो मैंने सर्किट ड्रॉ की। चलिए इसमें है जब दो इनपुट, और इसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होता है, एक समेशन का होता है एक कैरी का होता है। हमने हाफ एडर पढ़ लिया, हाफ एडर हमने कम्प्लीट किया। अब देखिए जी हम फुल एडर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज्यादा हमको इसमें समझने की जरूरत नहीं है। फुल एडर हाफ एडर क्या होता है अगर मैं बताना चाहूंगा, तो आपने कैलकुलेटर यूज किया है जी, तो कैलकुलेटर यूज किया है तो दो डिजिट को ऐड करने के लिए कैलकुलेटर समय सम ही बताता है, कैरी ही बताता है। मल्टीप्लायर क्या है जी, मल्टीप्लाई करके बताएगा। आपको पता है कि जो हमारे, हमको पता है कि इस ट्रेन में, आपको मेट्रो वगैरह में पता है कि इस अगर बटन को दबाएंगे तो क्या होगा जी, फैन चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑफ रहेगा कि ऑन रहेगा, क्या करना है, किस किस गाड़ी चलने के लिए कहाँ कहाँ से सिग्नल ऑन होना चाहिए, एक ड्राइवर के पास से भी सिग्नल ऑन होना चाहिए, एक पावर सप्लाई भी ऑन होना चाहिए, उसके बाद गार्ड के द्वारा भी जो सिग्नल दिया जाती है वो भी ऑन होना चाहिए। तो सबको देख कर हमको चलना है, तो उसके लिए लॉजिक सर्किट क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब हम स्टेशन पे फाइबर ऑप्टिक से सिग्नल देंगे कि हमारा ट्रेन यहाँ से स्टेशन से जा चुकी है। आपको आजकल तो बहुत से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स भी वैसे जा चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं जी, याद रहे ये इलेक्ट्रिकल के पार्ट तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, क्योंकि इसका इसका जो आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज हो क्या है जी, बहुत लो रहता है और बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है, बहुत ही स्मूथली। इसमें तो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कंपेयर किया जाए तो। इसलिए जो होता है आज आप देखते हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह, छोटे छोटे और हाई एक्यूरेसी वाले जो डिवाइसेज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया से कवर रहते हैं, और यही कारण है कि जो आज भी हमारे यहाँ जो मेट्रो है, रैपिड मेट्रो है, दिल्ली में जाके देखिए
आजकल तो बहुत जगह आ गया है, छोटे छोटे सेकंड टीयर के सिटीज में भी आ गए हैं मेट्रो, तो आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटी जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा ही दिया जा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना क्या है, जरूरी हो गया है। देखा जाए तो आगे प्रमोशन के लिए भी, अगर जिनको भी लग रहा हो कि हमको जेई बनना है, तो प्लीज वो वीडियो, तो ये वीडियो तो उनके लिए और भी बेहतरीन है, क्योंकि प्रमोशन में आपको यही सब बताना पड़ेगा, यही सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए फुल एडर की बात करते हैं। फुल एडर में देखिए क्या है जी, तीन इनपुट है, ए बी सी इन, ठीक है, फुल एडर है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, समेशन मिलेगा यानी जोड़ मिलेगा, और एक कैरी मिलेगा। कैरी माने क्या होता है, हाशिया मिलेगा जी, जोड़ भी मिलेगा और हाशिया मिलेगा। देखिए सर्किट में ऐसा दिखा रखा है कि पहले हमारा जो है यहाँ तक था, मेरा हाफ एडर ऐसा ही तो था, देखो हाफ एडर तो ऐसा ही था जी, समेशन था। अब इसी को क्या किया कि फिर से क्या किया है, एक और एक्सोर गेट लगा रखा है, इसका आउटपुट क्या किया है, दोनों को फिर दे दिया है, फिर से यहाँ से जो एक्सोर एक्सोर का आउटपुट क्या मिल जाए, सम हो गया है, और यहाँ से जो एंड गेट लिया है, यहाँ से जो एंड गेट लिया है, ठीक है जी, यहाँ से एंड गेट लिया, यहाँ से एंड गेट लिया, उसको क्या किया, एक्सोर और कर दिया, और इसका एडिशन है, ये एंड गेट है। मैं पिछले क्लास में सब सिंबल बता चुका हूँ, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सोर गेट, एक्सनॉर गेट, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, मैं सब क्लियर कर रखा हूँ, उसमें सर्किट डायग्राम बता रखा हूँ, ट्रुथ टेबल बता रखा हूँ। प्लीज आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं लॉजिक गेट का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो प्लीज पहले वो जाए लेक्चर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लो लेवल की बात नहीं हो रही है, उसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर समझना जरूरी है, जरूरी है जी। इसलिए आप देख सकते हैं कि टफ जा रहा होगा, मैं स्लो भी जा रहा हूँ। तो चलिए, तो यहाँ से मेरा क्या होगा जी, मेरा फुल एडर का सर्किट डायग्राम ये रहा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल सब है, ये एंड गेट का है, ये और गेट, एक्सोर गेट है, ये और गेट है, ये एंड गेट है, एक्सोर गेट है, सब मैंने पिछले क्लास में सब पढ़ा रखा है। देखिए बाकी ये समेशन के लिए, तो देखिए सी ए और बी का क्या है जी, एक्सोर लिया गया है, सी ए बी का एक्सोर लिया गया है, और कैरी आउटपुट के लिए क्या लिया गया है जी, तो ए बी मल्टीप्लाई सी इन, ए बी का जो, देखिए यहाँ पे ए बी का जो एग्जोर आया उसको क्या किया, सी इन के साथ क्या किया गया, एग्जोर किया गया है, ठीक है ना, तो वहीं लिखा गया है कि उसके साथ एग्जोर का एग्जोर करेंगे तो क्या मिलेगा जी, समेशन मिलेगा। देखिए ए बी का एग्जोर हुआ, वो किसके साथ एग्जोर हो रहा है, सी के साथ एग्जोर हो रहा है, ए बी का एग्जोर सी के साथ एग्जोर हुआ है। तो ये समझ में तो आप लोगों नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि बेसिक आइडिया याद करने का तरीका है, ठीक है ना। अब कैरी की बात करें तो कैरी देखिए क्या हुआ है, यहाँ से तो एग्जोर हुआ है, एक्सोर हुआ है, और यहीं पे क्या हुआ जी, एंड हो गया है। ये एक्सोर किसके साथ हुआ था, तो सी के साथ क्या हुआ है जी, सी के साथ क्या हुआ, एंड हुआ है, सी के साथ एंड हुआ है। और यहाँ पे देखिए ए और बी क्या हो रहा है, एंड मैंने मल्टीप्लाई हुआ है, और इस दोनों को क्या किया गया है, और किया गया है, जोड़ दिया गया है। सर्किट समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़े तो। देखिए बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट, देखिए जी इनपुट आउटपुट क्या होता है, फुल एडर है तो तीन इनपुट हो जाएगा, तीन इनपुट जैसे ही होगा तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इनपुट कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 तीनों 0, 1 1 1 1 1, ठीक है जी, 1 1 1 करके आएगा पहले, ठीक है जी, उसके बाद 2 2 1 होगा, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे देखो 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, फिर से 3 1 हो गया, तो देख सकते हो कितने कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जी, सम क्या मिलेगा, 0, कैरी क्या मिलेगा, 0, सबको जोड़ेंगे तो सम 1 मिलेगा, कैरी कितना मिलेगा, 0, इसको सम करेंगे तो क्या मिलेगा जी, सम 1 मिलेगा, कैरी क्या मिलेगा, 0, इसको 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है जी, 2 होता है, तो 2 को कैसे लिखते हैं, जी 1 0 लिखते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी, और 0 क्या हो जाएगा, सम। अब देखिए 1 + 0 0 0 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो कैरी 0 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 होता है, 2 को कैसे लिखते हैं, 1 और 0, 0 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और 1 कैरी में चला जाएगा, 1 + 1 क्या होता है जी, 2 होता है, 2 1 और 0 लिखते हैं, तो 0 क्या हो जाएगा, समेशन, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा जी, तो 3 हो गया, 3 को कैसे लिखते हैं जी, 1 कॉमा 1 लिखते हैं बाइनरी में, तो ये 1 क्या हो जाएगा, सम में, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी में हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है जी, ये जो हमारा आउटपुट मिला यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला, ठीक है ना, 0 से लेकर क्या मिला है जी, 3 तक आउटपुट मिला है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट 0 से लेकर कहाँ गया है, 3 तक गया है, तो 4 आउटपुट मिला है, 0 1 2 3 क्या जी, 4 आउटपुट मिला है, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि 4 आउटपुट मिला है। या 3 बिट इनपुट को ऐड करता है, 3 बिट क्या है जी, इनपुट को ऐड करता है, इसमें 3 इनपुट और 2 आउटपुट होता है, 3 इनपुट कौन सा, ए बी सी इनपुट है, और आउटपुट क्या है, सम और कैरी आउटपुट था। तो हमने ये क्या पढ़ा,
फुल एडर पढ़ा। फुल एडर में हमने कितना पढ़ा जी, आप देख सकते हैं। अब आगे पढ़ाया इसमें कुछ, हर चैप्टर में आपको पढ़ने के बाद कुछ क्या है जी, क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं हर चैप्टर को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाइए। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहे आपको कमेंट में पास कीजिए जी, मैं उसका आंसर जरूर दिवाई करूंगा। अगले वाले लेक्चर में मैं उसको ऐड भी कर देता हूँ, उसी को मैं वहां पे डिस्कस कर देता हूँ। आप अगर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, न्यूटन्स लॉ, टेम्परेचर्स, वहां पे मैंने क्या किए हैं उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं जी। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, वो सब सॉल्व किए गए हैं, ग्रेविटेशन भी किए गए हैं, तो वो सब देख सकते हैं। मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के भी कुछ चैप्टर्स सिंगुलरिटी वगैरह भी कवर किए हैं। तो आप पहले वो सब लेक्चर देखिए, मैं तो पहले कहूंगा आप पहले इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा और ज्यादा चांसेस भी है कि इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा। इसमें बोला कि टू